So welcome back to another video. In this video, we're going to discuss about the new syllabus of CBSE class 11 chemistry. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे COVID-19 की जो हमारी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमारा जो CBSE ने कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया, मीन्स हमारे जो 11th क्लास में जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स आते थे उनमें से हमारे कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है ताकि हमारे पास सिलेबस कम हो और हम कम टाइम में भी उसको कवर कर पाए। तो जैसे हमारे पास एक पीडीएफ आती है, इस पीडीएफ का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो आते हैं, हमारे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और एक आता है हमारा कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूल। ये टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर्स हैं उससे डिलीट कर दिया, एग्जामिनेशन में अब इन टॉपिक से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आने का। सेकंड चैप्टर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था उनकी जो भी हमारी थ्योरी थी वो सब हमारी डिलीट हो चुकी है, और साथ ही साथ जो हमारे थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन और रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन वो दोनों टॉपिक भी जो हैं हमारे डिलीट हो चुके हैं, एंड एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स ये भी जो टॉपिक्स हैं हमारे डिलीट हो चुके हैं। बाकी जो हमारा एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इसको तो आप फिर भी ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो, बाकी इसमें से एग्जामिनेशन में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आने का, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे थर्ड चैप्टर आता है हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उस चैप्टर से भी हमारा बहुत मतलब जो थ्योरी पार्ट था वो वाला डिलीट कर दिया। जैसे हमारे डोबिनियर ट्रेड्स आते थे और जो हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आती थी, मीन्स जिसने भी हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डोबिनियर ट्रेड्स, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी आते थे हमारे जो मेन पीरियोडिक टेबल है उनसे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी जिनकी सिर्फ थ्योरी थी और जो गलत प्रूव हुई थी, मीन्स जो पीरियोडिक टेबल गलत थी, अब वो एग्जामिनेशन में हमारे नहीं आने की, वो भी हमारा चैप्टर जो है मीन्स जो हमारे वो टॉपिक्स हैं उस चैप्टर से डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर आता है हमारा, बहुत बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन में भी इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मीन्स जैसे ये एज इट इज एग्जामिनेशन में पहले आता था अब भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर फिफ्थ आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस एंड लिक्विड्स, इस चैप्टर्स में हमारे भी बहुत काफी चीजें डिलीट हुई हैं। जैसे एक तो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये वाले टॉपिक्स हमारे इससे डिलीट हो गए, और साथ ही साथ जो हमारी लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड स्टेट जो उसका सेकंड पार्ट है चैप्टर का उसमें से जो हमारा वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये जो हमारे थ्री टॉपिक्स हैं ये भी हमारे इस चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं, मीन्स अब हमें ये वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं। जो ये पीडीएफ है इस पीडीएफ का एक बार आप प्रिंट निकाल के मीन्स या फिर आप कहीं पर नोट कर लेना, जब आप पढ़ने बैठो तो देख लेना कि कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीट हो चुके हैं, मीन्स अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं उनका टाइम हमारा बचेगा, जो उनको ना करने में जो टाइम बचेगा उसको हम जो हमारा वैल्यूएबल काम है उसमें हम लगाएंगे, मीन्स जो हमारा सिलेबस आना है उसमें हम लगाएंगे, तो जो टॉपिक्स डिलीट हो गए उनको भी करने का कुछ फायदा नहीं है। और बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें रिवाइज फिर भी करना है, बाकी जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार है ये हमें वैसे भी याद हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर सिक्स है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस कैपिटल सी और स्मॉल सी वाले टॉपिक्स हमारे दोनों के डिलीट हो चुके हैं, इनकी जो हमारे डेफिनेशंस थी और इनकी जो हमारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते थे वो दोनों डिलीट हो चुके हैं। और सेकंड आता है हमारा इससे जो है क्रिटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए हमारा जो क्रिटेरिया आता था क्रिटेरिया प्रोसेस वो भी हमारा इस चैप्टर से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा, इसमें से जो हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट है मीन्स जो एलिमेंट्री हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट की जो हमारी थ्योरी पार्ट आता है वो क्या हमारा डिलीट हो चुका है इस चैप्टर से, और जो हमारा हेंडरसन इक्वेशन आती है वो भी हमारी पूरी तरह इस चैप्टर से डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की सिर्फ हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का एक क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में पक्का आता है, हमारे मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट करने के लिए, इसमें से हमारी जो डिलीट हुआ है वो हुआ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मीन्स जो रिडॉक्स रिएक्शन थी उनकी जो लास्ट में हमारी एप्लीकेशन आती थी सिर्फ वही डिलीट हुई है, बाकी पूरा चैप्टर हमारा एज इट इज है। नेक्स्ट एक चैप्टर आता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हमारा क्या क्या डिलीट हुआ है, काफी कुछ इसमें डिलीट हो गया है, जैसे आता है प्रिपेशन प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स जो हाइड्रोजन टॉपिक था उसकी जो प्रिपेशन थी और जो प्रॉपर्टीज उसके यूजेज थे वो टॉपिक हमारे क्या डिलीट हो चुके हैं, और जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड की प्रिपेशन कि वो भी डिलीट हो गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड यूज, मीन्स जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड टॉपिक था उसकी प्रिपेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूज ये सब हमारे डिलीट हो चुके हैं इस सिलेबस से, मीन्स चैप्टर 9th जो हमारा हाइड्रोजन आता है इससे हमारे डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से भी हमारा काफी सिलेबस डिलीट हुआ है, जैसे प्रिपेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये वाले सारे हमारे जो है इस बार जो
क्लास इलेवंथ का जो सिलेबस है उससे डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्सन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी हमारा डिलीट हो चुका है। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट लिंक ही है, उसको जरूर देख लेना। और बाकी हमारा जो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, ये भी हमारे डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक चैप्टर आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा बहुत बड़ा चैप्टर होता था, इसमें भी काफी कुछ हमारा डिलीट हो चुका है। जैसे सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स लाइक बैरोक्स, बोरिक एसिड, बैरोन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, रिएक्शन विद एसिड बेस, एल्केलिन्स एंड यूजेस, इनके ये जो टॉपिक्स हैं हमारे ये डिलीट हो चुके हैं। मीन्स रिएक्शन विद एसिड एंड एल्केन्स और उसके यूजेस, जो हमारे बोरिक एसिड और जो बोरोन, ये वाले सारे टॉपिक्स हमारे अब डिलीट हो चुके हैं। मीन्स हमें अब ये नहीं पढ़ने हैं फॉर एग्जामिनेशन। बाकी हमारा जो उसमें डिलीट हुआ है कार्बन वाला टॉपिक, मीन्स कार्बन के जो यूजेस थे और जो सम इम्पोर्टेंट उसके कंपाउंड आते हैं, जैसे हमारे ऑक्साइड आते थे, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड उनके यूजेस, और जो हमारा सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड और सिलिकॉन सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, वो वाले टॉपिक्स थे, वो भी अब हमारे डिलीट हो चुके हैं। मीन्स हमें वो भी टॉपिक्स नहीं करने हैं। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। नेक्स्ट एक चैप्टर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 चैप्टर हमारा, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा चैप्टर था। मीन्स जो हमारी ऑर्गेनिक की मतलब यहाँ से शुरुआत होती है, तो इसमें जो एक आता है हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, बहुत बड़ा टॉपिक था ये हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी अब हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में से हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन एंड कंबशन एंड पायरोलाइसिस, ये तीनों टॉपिक हमारे क्या डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो आता है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक हमारा थ्योरेटिकली चैप्टर था, उसमें भी वैसे भी स्कूल में इसको बहुत कम ही पढ़ाते थे, तो वो पूरा चैप्टर हमारा सिलेबस से हट चुका है। मीन्स हमारा जो 14 चैप्टर थे टोटल, 14 में से सिर्फ हमारे 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में से भी हमारे कुछ टॉपिक्स हमारे हट चुके हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको, ये मतलब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, और कौन से हमें पढ़ने हैं, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आप देख सको कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से अब नहीं पढ़ने हैं। सो ये टॉपिक अब हमारे जो मतलब 11th केमिस्ट्री से डिलीट हो चुके हैं। इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, बेनिफिट भी आपको उसका लेना है। बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनको करने में जो आपको टाइम लगता था, वो टाइम अपना अपना वैल्यूएबल जगह पर यूज़ कर सकते हो। मीन्स जो आप जो और न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चन हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर यूज़ कर सकते हो, ताकि आप जो एग्जामिनेशन में उनमें अच्छा काम कर सको। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना, और हाँ, ये जो पीडीएफ है इसका आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी एक बार डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।